नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। मेरा नाम मनीषा है और आज हम आए हैं सेक्टर 79 में, मोहाली। बहुत ही पोश एरिया है, बहुत ही अमेजिंग एक कोठी हम आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं, साथ ही साथ हम भी देखने आए हैं। तो आज हम मिलके इस कोठी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस कोठी में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो थोड़ा बहुत मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, 7 स्पेशियस बेडरूम्स हमें देखने को मिलने वाले हैं इस घर में, और काफ़ी लॉबी एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल लॉबी एरिया देखने को मिलने वाला है, पार्किंग स्पेस हमें देखने को मिलने वाला है, एंड भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। साइज और जो फेसिंग है वो बता देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपको ये मिल रहा है घर, और जो साइज़ है वो 250 गज में ये इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला बना हुआ है। 250 गज के हिसाब से आपको लगेगा नहीं ये घर बिल्कुल बना होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा स्पेशियस साइज़ ये लगता है देखने के अकॉर्डिंग, और अंदर से भी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा, और वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग घर ये है। इस घर के बिल्कुल कुछ 10 कदम की दूरी पे ही आपको पार्क मिल जाता है। 2 एकड़ का बड़ा पार्क आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं 2 एकड़ का बड़ा पार्क। तो आपका घर यहाँ पे, और 10 कदम की दूरी पे आप जाके आराम से वॉक कर सकते हैं, सुबह शाम की जॉगिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं वहाँ जाके। एक बात बता देती हूँ मैं, ये जो कोठी आप देख रहे हैं और देखने वाले हैं आगे भी, ये थोड़ी सी पुरानी कोठी है, बट ये जो सेक्टर है, ये जो एरिया है, यहाँ पे ऐसी कोठी मिलना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, और इस प्राइस में, क्योंकि आज के टाइम में जो प्लॉट का जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हाई। अब शुरू करते हैं हम हमारे बर्म एरिया से। तो ये देखिए, तो जो ये आ गया हमारा बर्म एरिया, सबसे पहले तो काफ़ी स्पेशियस बर्म एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपकी गाड़ियों की, अगर आपके पास 5 से 6 गाड़ियाँ हैं, देखिए आराम से आपके घर के बाहर भी और घर के अंदर भी पार्क हो जाएंगी, इतना स्पेस है यहाँ। आसपास का एरिया भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर डेवलप एरिया आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। और अभी देखिए चलते हैं सीधा घर के अंदर, और घर के अंदर जाके भी हम एक और पार्किंग स्पेस देखते हैं जो हमें घर के अंदर मिलती है। अब हम पहुंच चुके हैं घर के अंदर पार्किंग स्पेस में। तो यहाँ पे भी आपकी कम से कम 3 बड़ी गाड़ियाँ आराम से, फॉर्च्यूनर XUV टाइप्स बड़ी गाड़ियाँ आराम से आपकी यहाँ पे पार्क हो जाएंगी। एक गाड़ी आप ऑलरेडी देख रहे हैं पार्क्ड है, उसके बाद भी इतना स्पेस है कि यहाँ पे आपकी 2 और बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी वाली गाड़ियाँ जो होती हैं वो आराम से पार्क यहाँ पे हो जाएंगी। और बाकी एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो एलिवेशन आप देख ही चुके हैं, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ एलिवेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी चलते हैं सीधा घर के अंदर। तो सबसे पहले घर के अंदर जाने से पहले हमें ये देखिए मेन एंट्रेंस मिल रही है, ये हमारी मेन एंट्रेंस है, और साथ में हमें ये देखिए साइड में आप देख सकते हैं स्टेयरकेस जो हमें अलग से सेपरेटली मिल रहा है बाहर से ही, सो दैट आपको क्या है, अगर आप जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है अगर आप रेंट पे देना चाहे, और सेकंड फ्लोर है रेंट पे देना चाहे, तो वो भी हो सकता है, और आपकी क्या है इससे प्राइवेसी भी मेंटेन होती रहेगी। तो अभी चलते हैं सीधा घर के अंदर, मैं लेके चलती हूँ आपको, आ जाइए। सबसे पहले आपको मैश डोर मिल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, मैश डोर मिल रहा है। उसके बाद आपको प्रॉपर वुडन का डोर मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और उसके बाद आ जाइए घर के अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, हम ये एक्चुअल विला हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई भी सामान नहीं है, हम एक्चुअल चीज़ आपको आज दिखाने आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम खड़े हैं अभी डाइनिंग एंड ड्राइंग स्पेस में, ये हमारा ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, जो ये एरिया है, ये आ गया आपका ड्राइंग एरिया, यहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह आप आराम से लगा सकते हैं, एंड साथ में ही देखिए यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है। तो अभी हम देख लेते हैं फॉल सीलिंग, देखिए वुडन की फॉल सीलिंग हमें मिल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ अब डाइनिंग स्पेस की, तो ये देखिए दोस्तों, तो ये आ गया डाइनिंग स्पेस आपका, यहाँ पे आप कम से कम 10 सीटर जो डाइनिंग टेबल है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारी स्पेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, बच जाएगी, काफ़ी स्पेस बच जाएगी उसके बाद। अभी उसके बाद चलते हैं सीधा किचन के अंदर, तो ये देखिए दोस्तों, तो ये आ गया हमारा किचन, ये आप देख सकते हैं, ये हमें किचन मिल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी सारे कैबिनेट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं,
और विंडो भी हमें मिल रही है हमारे किचन में, आप देख सकते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही हैं ऑफकोर्स, आप लोगों को तो सब पता होगा। तो अभी इसके बाद मैं ये वाला स्पेस एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक आपको छोटा सा डाइनिंग एरिया मिल जाता है, ताकि इन केस कल को आप जल्दी में हैं, रश में हैं, आपकी मीटिंग है, तो आप डाइनिंग टेबल के बजाय यहीं पे ही जल्दी से खाएं और जल्दी से अपने मीटिंग के लिए चले जाएं। तो ये तो था हमारा किचन। अभी किचन के बाद हम देखते हैं पाउडर रूम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पाउडर रूम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि कल को अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट क्यों नहीं आते, हर किसी के घर में गेस्ट आते हैं, तो उनको वॉशरूम यूज़ करना है और आपको आपके बेडरूम की प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है, तो एक पाउडर रूम का होना आपके घर में बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बेडरूम की प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाए। तो अभी इसके बाद चलते हैं सीधा फर्स्ट बेडरूम में। तो हमें दो बेडरूम्स नीचे देखने को मिलने वाले हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, बाकी के बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे एंड सेकेंड फ्लोर पे। तो चलिए सबसे पहले ये वाला बेडरूम देखते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम। स्पेस की बात करूँ, साइज़ की बात करूँ, तो काफ़ी स्पेशियस हमें, डिसेंट साइज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आ गई हमारी फॉल सीलिंग, वुडन की फॉल सीलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में हमारा टीवी पैनल आ गया, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टीवी पैनल आ गया। देन उसके बाद हमारे आगे वार्डरोब्स, तो ये देखिए, ये हमें वार्डरोब्स मिल जाते हैं। स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम आपको आपके बेडरूम में नहीं होने वाली है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ विंडो, ये देखिए, ये आ गई विंडो, बड़ी विंडो आपको मिल रही है, ताकि सनलाइट मिलती रहे, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे आपके बेडरूम में। अभी चलते हैं सीधा वॉशरूम में, अटैच्ड वॉशरूम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया अटैच्ड वॉशरूम। टाइल वर्क की बात करूँ तो टाइल वर्क भी काफ़ी बेहतरीन टाइल वर्क हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देख ही सकते हैं हमारा बैकयार्ड आपको नज़र ही आ रहा है, यहाँ से आपके फर्स्ट बेडरूम से बैकयार्ड आपको नज़र आ रहा है। तो आप ये देखिए, डोर भी आपको मिल रहा है, दैट मीन्स आपको आपके फर्स्ट बेडरूम से भी आपको आपके बैकयार्ड की एक्सेस मिलती है। बैकयार्ड हम दूसरे रूम से जाके देखते हैं। तो चलिए आ जाइए, चलते हैं सीधा सेकेंड रूम में। ये देखिए, पाउडर रूम के साथ में ही आपका सेकेंड रूम है दोस्तों। दोस्तों ये आ गया हमारा सेकेंड बेडरूम। तो अभी आप सेकेंड बेडरूम को देख ही रहे हैं, और आप अभी आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा छोटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। आप क्या कर सकते हैं, जो ये वॉल है यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, इसको हटाकर हम इसको आपको कि आप यहाँ तक, जैसे ये यहाँ तक आ गई वॉल आपकी, जो ये वाली वॉल है ये पीछे कर दीजिए आप यहाँ तक, तो आपको एक बड़ा वाला स्पेशियस बेडरूम मिल सकता है। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको कैसे इसको यूज़ करना है, इस एरिया को। बाकी अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे बैकयार्ड में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया बैकयार्ड, और साथ में ही मैं ये एरिया भी दिखा देती हूँ। ये सर्वेंट रूम आ जाता है, इनकेस कल को आपको सर्वेंट रखना है तो ये सर्वेंट रूम आ जाता है, और साथ में इनका वॉशरूम भी है यहाँ पे सेपरेटली। ये देखिए, ये वॉशरूम उनको मिल जाता है। तो ये हमारा बैकयार्ड भी आपने देख लिया, ये बैकयार्ड हमारा आ गया। काफ़ी अच्छी धूप हमें यहाँ मिल रही है, सर्दियों में काफ़ी आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। हमने हमारा ग्राउंड फ्लोर तो देख ही लिया है, पूरा का पूरा हम कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर हम पूरा का पूरा देख चुके हैं, अब बारी आती है फर्स्ट फ्लोर पे चलने की। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो अब हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे आते ही हमें जैसा नज़र आ रहा है ये स्पेस, ये आ गया हमारा लॉबी एरिया। तो इसको भी आप ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे। आप यहाँ पे सोफाज रख सकते हैं, या फिर दो तीन चेयर रख के बहुत ही ब्यूटीफुल सा एरिया आप इसको बना सकते हैं, जो कि हमारा लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया की फॉल सीलिंग आपने देख ली है। देन उसके बाद बेडरूम्स को देखने से पहले मैं आपको एक एरिया दिखाती हूँ, एक स्पेस दिखाती हूँ, जिसको आप तीन चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये स्पेस आ गया, तो तीन चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक आ गया पहला हमारा पूजा रूम, सेकेंड आ गया हमारा स्टडी एरिया, थर्ड आ गया हमारा ऑफिस स्पेस। क्योंकि ऑफिस स्पेस अगर आपको बनाना है तो देखिए, जो हमने नीचे देखा था, सबसे पहले मैंने दिखाया था आपको स्टेयरकेस जो हमें बाहर से मिल रही हैं, तो ये देखिए बाहर से हमें स्टेयरकेस मिल जाती हैं। तो अगर आप इसको ऑफिस स्पेस बनाते हैं तो वो बाहर से ही आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं सीधा वापस और बेडरूम्स को देखते हैं। तो दो बेडरूम हम देख चुके हैं, अब बारी आती है थर्ड बेडरूम को देखने की। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम।
तो ये हमारा थर्ड बेडरूम आ गया है, थर्ड बेडरूम आ चुका है। और आपने नोटिस किया होगा कि पूरे ही घर में लाइट तो वैसे हमने जलाई नहीं है, उसके बावजूद भी हमें देखने को मिल रही है कितनी ज़्यादा रोशनी हमें मिल रही है। इससे क्या है कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बचा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा टीवी पैनल एरिया, ये हमें टीवी पैनल मिल जाता है यहाँ पे। देन उसके बाद हमारे वार्डरोब एरिया देख लेते हैं, आ जाइए। ये हमारा वार्डरोब एरिया आ गया दोस्तों। और उसके बाद हमारा अटैच्ड वॉशरूम, तो ये हमारा अटैच्ड वॉशरूम आ गया दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं बालकनी, बालकनी में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से तो आप देख ही रहे हैं, बड़ी विंडो आपको मिल जाती है यहाँ पे। और साथ में ही हम बालकनी देखते हैं, आ जाइए। तो ये देखिए दोस्तों, बालकनी आपको मिल जाती है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आप दो तीन चेयर्स लगा के, एक टेबल लगा के सुबह शाम की टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो हमारा आसपास का व्यू है, और वो पार्क तो आपको नज़र आ ही रहा है, व्यू भी बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी आ रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रहा है। तो दोस्तों, हमने हमारा थर्ड बेडरूम देखा, अब बारी आती है हमारे फोर्थ बेडरूम को देखने की। तो चलिए पहले ये वाला बेडरूम देखते हैं। ये आ गया हमारा फोर्थ बेडरूम। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमें मिल रहा है हमारा फोर्थ बेडरूम। और उसके बाद हमारी विंडो आप देख सकते हैं, बाहर जाके नहीं दिखाएंगे, बहुत गर्मी है, तो आप यहीं से ही देख लीजिए। ये आपको बालकनी मिल जाती है, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको यहाँ पे बालकनी आपकी मिल रही है। सर्दियों में तो बहुत बढ़िया धूप आएगी आपके लिए, पर गर्मियों में तो बहुत गर्मी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया अटैच्ड वॉशरूम। तो ये मैं बता दूँ आपको, ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। जो हमारा साथ में एक और बेडरूम है वो भी हम देखेंगे, तो वहाँ से भी आपको एक बार समझ आ जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधा हमारे फिफ्थ बेडरूम को देखने के लिए। तो ये देखिए, साथ में ही हमारा फिफ्थ बेडरूम आ गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिफ्थ बेडरूम। हमारी आगे टीवी पैनल एरिया, ये टीवी पैनल हमें मिल जाता है यहाँ पे। और साथ में ही आप देख सकते हैं, ये विंडो आपको मिल जाती है, साथ में ही आपको एक्सेस मिल रही है आपके बालकनी की। और ये हमारा कॉमन वॉशरूम जो हमने हमारे फोर्थ बेडरूम से देखा था। और मैं आप दिखाती हूँ आपको वार्डरोब एरिया। तो ये देखिए, ये आपको मिल रहा है वार्डरोब एरिया सेपरेटली, बड़ा सा वार्डरोब एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बड़ी सी मिरर भी मिल रही है, जो कि आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया। एंड देन इसके बाद चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। चलते हैं हम हमारे सेकंड फ्लोर पे। हमने हमारा फर्स्ट फ्लोर देख लिया सारा का सारा, अब बारी आती है सेकंड फ्लोर को देखने की। तो सेकंड फ्लोर की एंट्री, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर की एंट्री सेपरेटली आपको बाहर से ही मिल जाती है। तो चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। तो ये देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे दोस्तों। तो ये देखिए, एरिया मैं आपको पहले दिखा देती हूँ बाहर से ही, बेडरूम्स हम बाद में देखते हैं। तो ये देखिए, ये सेपरेटली आपको एरिया मिल जाता है। यहाँ पे भी आप अपना सिटिंग एरिया मैनेज कर सकते हैं। और ये आपको देखिए, आसपास का व्यू भी आप देख सकते हैं आराम से ही। तो चलते हैं अभी सीधा अंदर कमरे में। ये देखिए दोस्तों, तो ये पहले आ गया आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ब्यूटीफुल सा ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद ये देखिए, ये आपके लिए टीवी पैनल आ गया, यहाँ पे आप अपना टीवी रख सकते हैं। बाकी कैबिनेट्स भी आपको मिल रहे हैं, कितने सारे कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद किचन में आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये आपको किचन भी मिल रहा है यहाँ पे, कैबिनेट्स भी हैं आपके लिए, विंडो भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। और अब बारी आती है बेडरूम को देखने की। ये देखिए, ये एक बेडरूम आ गया, काफ़ी डिसेंट स्पेस के साथ आपको यहाँ पे आपका बेडरूम मिल रहा है, आप देख सकते हैं। वो आपका आ गया वार्डरोब एरिया, और उसके बाद ये आ गया वॉशरूम। ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला है दोनों बेडरूम्स के साथ। यहीं से हम चलते हैं एक और बेडरूम में, साथ में जो एक और बेडरूम था। ये देखिए, ये एक और बेडरूम आ गया। तो हमने इन टोटल 7 बेडरूम्स देखे हैं, 7। ये 2 बेडरूम्स नीचे, हमने 5 बेडरूम्स देखे दोनों उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को मिला के।
और अब ये हमने दो और बेडरूम्स देखे, हमें इस घर में 7 बेडरूम्स हमें देखने को मिले, क्योंकि पूरा का पूरा घर हमने देखा ही है। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम देखने को मिले, हमें फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम देखने को मिले और हमारे सेकंड फ्लोर पे हमें 2 और बेडरूम देखने को मिले। तो इन टोटल 7 बेडरूम्स हमें देखने को मिले। तो अभी बाहर चलते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको, टेरेस एरिया भी है यहाँ पे, टेरेस पे नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल के लिए, बट मैं जो एंट्री है वो ज़रूर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो ये सेपरेटली आपको टेरेस के लिए एंट्री मिल जाती है और इतना स्पेस भी आपको अलग से मिल रहा है। तो आप इसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या जैसे भी आप इस स्पेस को यूज़ करना चाहें। तो दोस्तों 100% वास्तु के अकॉर्डिंग ये घर बनाया गया है। और बाकी अगर हमें हमारा ये घर और हमारी ये लोकेशन और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाकी हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये विला पसंद आया होगा तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना।